दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना एन एस की वेबसाइट पर लेटेस्ट असाइनमेंट कैसे डाउन कर सकते हैं। जो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए हमारा पर अभी जो 2020 से 21 वाले हमारा पर असाइनमेंट शुरू हो चुके हैं यहाँ पे हमारा पर, तो जो कि आप ही देख सकते हैं कि आप अपना एन एस की वेबसाइट पर अपना डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए मैं यहाँ पर यह बताने वाला हूँ कि अपना एन एस की वेबसाइट से आपको कैसे अपना असाइनमेंट डाउन कर सकते हैं, उसे कैसे बना सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, कहाँ जमा करना है, असाइनमेंट बनाने का फ़ायदा क्या है, किन विद्यार्थियों को असाइनमेंट बनाना होता है, तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो दोस्तों मेरा नाम है राज शर्मा और आप हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय समय पर कई सारे नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप अपना एन एस के होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप करना क्या है, थोड़ा सा आपको जो स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा यहाँ पर जो पेज है पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, तो आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ पर एक बनता हमारे पास सेकेंडरी कोर्सेज बनता है, एक हमारे पास सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज बनता है। तो सेकेंडरी कोर्सेज जो कि हमारे पास क्लास 10th के लिए होता है, सीनियर सेकेंडरी जो कि हमारे पास 12th क्लास के लिए होता है। तो फिलहाल चलिए मैं आपको बताता हूँ क्लास 10th यानी कि सेकेंडरी कोर्सेज के लिए अपना असाइनमेंट वगैरह कैसे अपना डाउन कर सकते हैं 2020 से 21 वाले सेशन के लिए और उसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर नीचे जो है हमें सबसे नीचे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सबसे नीचे हमें एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर हमारा पर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, तो TMA, तो हमें करना है क्या, इस पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ TMA फॉर द सेशन 2020-21। तो यहाँ पे हमारा पर जो है जो हमारा सेशन बनता है 2020 से लेकर 21 के बीच में हमारा जो सेशन बनता है, तो उसका जो हमारे TMA यहाँ पे हमारे पर क्या अवेलेबल है, जिसमें हमारा बताया जाता है TMA बाय लर्नर टू द स्टडी सेंटर 31st January। तो यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि जिन विद्यार्थियों को अपने फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम देने हैं, जिन्होंने अभी हमारा एडमिशन वगैरह लिया है, जिन्होंने भी हमारा पर भी एडमिशन लिया है और अभी हमारा पर जो है पर नवंबर के महीने में आसपास में अपना एग्ज़ाम फीस जमा करने वाले हैं, तो वह विद्यार्थी जो अपना असाइनमेंट जमा करेगी अपने सेंटर पर 31 जनवरी से पहले पर अपना वो जमा करेंगे। इसके साथ यहाँ पे हमारा पर आगे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि यही असाइनमेंट आपका रहेगा अक्टूबर सेशन के लिए भी, कि हाँ जो दोस्तों यहाँ पे हमारा पर अक्टूबर सेशन के लिए भी हमारा पर सेम असाइनमेंट ये रहेगा, क्योंकि जो असाइनमेंट होता है वो पूरे एक साल तक के लिए चलता है। तो यहाँ पर अगर अपना जो है जो अपना अक्टूबर सेशन के लिए अपना एडमिशन वगैरह ले गए तो वह विद्यार्थी अपना 31 जुलाई तक अपना पिछले साल 2021 में अपने को अपना असाइनमेंट वगैरह जमा करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ यहाँ पर असाइनमेंट है वो आपको डाउनलोड कर दिखाता हूँ कि आपके जो असाइनमेंट वगैरह कैसे बनते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सेकेंडरी असाइनमेंट 2020-21 ये हमारा पर दे रखा है और यहाँ पर हमारा पर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस कई सारे सब्जेक्ट हमें यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर हमारा पास सपोज़ मैं आपको चलिए मैं यहाँ पर हिंदी का असाइनमेंट आपको डाउनलोड कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर असाइनमेंट है यहाँ पर हमारा पर और ये हमारे पास 2020 से 21 सालों के लिए हमारे पे असाइनमेंट है और इसके क्वेश्चन आंसर आप करने होते हैं। तो असाइनमेंट आपका होता है क्या है, 20% का होता है। जो दोस्तों यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का अपना असाइनमेंट जमा करना होता है और ये असाइनमेंट आपका जो 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स होता है। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर है पूरा 100 नंबर का आएगा, हिंदी का जो पेपर जो आपका पूरा 100 नंबर का आएगा, तो 100 में से अगर करीब 20% यानी 20 नंबर का जो आपका क्या रहता है असाइनमेंट रहता है। सपोज़ करिए कि अगर आपका जो यहाँ पर अपना होम साइंस है तो होम साइंस आपका जो हमारा पर जो पेपर आता है थ्योरी आती है वो आती है आपके यहाँ पर 85 की आती है, थ्योरी जो आती है आपके यहाँ पर 85 मार्क्स की आती है, 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 85 का अगर हम 20% करें तो जो कि बनता है हमारे पास 70 नंबर, तो 70 नंबर का आपका असाइनमेंट हो जाता है। तो आपके हिसाब से क्या है कि जो थ्योरी मार्क्स होता है उसका 20% आपका क्या होता है अगर आपका असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट के मार्क्स आपके इंक्लूड होते हैं आपके रिजल्ट में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चन आंसर को आपको करना क्या होता है, ढूंढ के बनाना होता है अपने गाइड वगैरह से या कोई ना कोई हेल्प बुक है या आपके पास कोई ना कोई बुक्स है तो वहाँ से आपको सर्च करके अपना इन कोई क्वेश्चन आंसर आपको लिखने होते हैं, वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको लिखने होते हैं। और यहाँ पर अपना देख भी सकते हैं कि यहाँ सेशन भी लिखा हमारे पास 2020 से 21 के बीच में यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पर हमारे पास कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास TMA इनिशियल पेज हमें दे रखा है, तो चलिए इस पर भी क्लिक कर लेते हैं कि जिसपे आपको
जो है असाइनमेंट को लेके कई सारे आपको जानकारी आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए, इसमें हमारा पर देखा जाए 2020 से 21 का असाइनमेंट हमें शो कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा पर एड्रेस भी शो कर रहा है कि इसका जो मेन हेड ऑफिस है जो कि हमारा पर नोएडा सेक्टर 62 में हमारा पर, और इसके बाद यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है कि हमारा पर जो स्ट्रीम 1 से जो स्टूडेंट अपना एडमिशन लेते हैं तो वह विद्यार्थी अपना असाइनमेंट जरूर जमा कर रही है। तो यहाँ पर हमारा पर देखा जाए, तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षित अंकित मूल्यांकन पत्र कब और कहाँ जमा करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें दे रखा है कि कब जमा करना है, तो उसकी डेट हमें दे रखी है। तो जिन विद्यार्थियों को अपना एग्ज़ाम देना होता है अप्रैल मई में एग्ज़ाम देना होता है, तो अप्रैल मई में एग्ज़ाम देना होता है तो वह अपना स्टडी सेंटर पर अपना जो अध्ययन केंद्र है आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ अपना 31 जनवरी से पहले पहले आपको जो अपना असाइनमेंट जमा करना है। इनकेस अगर 31 जनवरी कोई हॉलीडे है तो उसका नेक्स्ट डे आपका जो वर्किंग डे माना जाएगा तब भी आप अपना जमा कर सकते हैं। इनकेस अगर यहाँ पे 31 जो जनवरी अपना हॉलीडे आ जाता है तो ऐसे में देखा जाए अपना अगले दिन भी अपना असाइनमेंट वगैरह जमा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारा पास अक्टूबर नवंबर के सेशन में अगर पेपर देने वाले हैं तो आपको अपना असाइनमेंट जो अपना 31 जुलाई तक अपना जमा कराना होता है। तो सेम यहाँ पर भी हमारा पास वही बात बनती है कि अगर यहाँ पर आपका कोई हॉलीडे वगैरह पड़ जाता है, पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है, तो ऐसे में जो अपना अगले दिन होता है वो वर्किंग डे माना जाता है तब अपना असाइनमेंट वगैरह जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो स्टडी सेंटर पर अपना असाइनमेंट वगैरह जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए हर साल कई सारे जो 16 असाइनमेंट आपके लिए लेकर आता हूँ उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बना भी रखी है पहले से ही, तो वहाँ से भी अपना जो है कि अपना असाइनमेंट वाले कुछ जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ ही देखा जाए अब यहाँ पर जैसे कि लेटेस्ट असाइनमेंट हमारे आ चुके हैं 2020-21 वाले आ चुके हैं, तो अब इसके ऊपर भी कई सारे जो 16 असाइनमेंट बनाऊँगा और अब मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो यहाँ पर देखा जाए उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं असाइनमेंट वगैरह बनाता हूँ उनसे जुड़ी हुई कई सारी वीडियो बनाता हूँ या आप एन एस के स्टडी को लेकर कोई भी अगर वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके असाइनमेंट है काफ़ी सारे बनाता हूँ तो उसकी जानकारी भी आपको जल्दी मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पर देखा जाए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो क्या है कि एक असाइनमेंट का जो हमारा फ्रंट पेज होता है जिसमें नेम, रोल नंबर, स्टडी सेंटर और कई सारी जरूरी डिटेल वगैरह होनी चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज होता है तो उन बहुत सारे मैंने अच्छे अच्छे फ्रंट पेज बनाए हैं तो उन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और अपना जान लेते हैं कि इसमें हमारा पर और क्या बताया गया है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारा पर देखा जाए और क्या बताया गया है हमारा पर, जिसमें बताया गया कि हमारा पर स्ट्रीम 1 में जो हमारे स्टूडेंट लेते हैं तो उन्हें अपना असाइनमेंट जमा कराना जरूरी है, और ये असाइनमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20% का होता है, तो आपके जो भी थ्योरी मार्क्स होते हैं उस थ्योरी मार्क्स का 20% आपका यहाँ पर असाइनमेंट के नंबर आपके लगते हैं। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि अगर आपने एक बार असाइनमेंट जमा कर दिया है, आपको नंबर मिल चुके हैं, तो आपको दोबारा गलत असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। हाँ यह है कि अगर आपने असाइनमेंट जमा किया, आप पास नहीं हुए असाइनमेंट में, आपको पासिंग नंबर से कम नंबर मिले, तब ऐसे में अपना असाइनमेंट वगैरह बना के जमा कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर एक बार असाइनमेंट बना चुके हैं, जमा कर चुके हैं और आपको अच्छे खासे नंबर आपको मिल चुके हैं, तो ऐसे में आपको दोबारा असाइनमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूँ कि असाइनमेंट बना लेते हैं, बनाने बाद अपने स्टडी सेंटर जाते जमा करने के लिए, अगर आपका स्टडी सेंटर बंद हो चुका है या वहाँ से मना कर देते हैं लेने से किसी वजह से, तो आप ऐसे में अपना जो आपका आई कार्ड है उस आई कार्ड के पीछे आपका दे रखा है रीजनल सेंटर, तो अपने रीजनल सेंटर भी जाके अपना असाइनमेंट वगैरह जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आप किस तरह से अपना जो डाउन कर सकते हैं असाइनमेंट डाउन कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे हम यहाँ पे असाइनमेंट दे रखे हैं, लेकिन ये हमारे में क्या है क्लास 10 के बारे में, तो चलिए क्लास 12 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्लास 12 के बारे में अगर यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पर क्लास 12 के लिए हमें यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही कि यहाँ पर हम आते हैं तो हम एक नई खास चीज़ देखते हैं, वो नई खास चीज़ हमें देखने को क्या मिलती है, तो चलिए पहले मैं आपको TMA पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि है क्या यहाँ पर वो खास चीज़ है क्या। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आप सीनियर सेकेंडरी ऑप्शन में गए असाइनमेंट डाउन करने के लिए। जी दोस्तों यहाँ पे आप जो है क्लास 12 के लिए असाइनमेंट जो है डाउन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपको बताया भी जाता है कि आपको जमा कराना है, कब जमा कराना है, लास्ट डेट वगैरह क्या है, लेकिन यहाँ पर हमारा पर फिलहाल जो भी हमारा पर सीनियर सेकेंडरी के लिए जो हमारा पर असाइनमेंट होना चाहिए वो भी हमारा भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर हमारा पर शुरुआत है हमारा पर एक तरह से असाइनमेंट की, और आज जो देखा जाए हमारा पर 31 जुलाई 2020 है,
तो आज हमारा पर जो देखा जाए डेट है हमारा पर 31 जुलाई 2020 है, और अभी लगभग देखा जाए पूरा साल पड़ा हुआ है इस तरीके से। यानी कि अभी तो अब जो हमारा पर जो फर्स्ट टाइम अपना असाइनमेंट वगैरह जमा करेंगे, जो फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम वगैरह दे रहे हैं मार्च अप्रैल में, तो उन्हें तो अपना असाइनमेंट वगैरह जमा कराना है 31 जनवरी तक जमा कराना है। तो अभी तो फिलहाल देखा बहुत टाइम है, तो तब तक जो है यहाँ पर हमारा पर उससे पहले ही देखा जाए हमारा पर हो सकता है अगस्त में ही सितंबर में ही हमारा पर क्लास 12th का भी असाइनमेंट यहाँ पर हमारा अवेलेबल हो जाए। तो फिलहाल तो अभी हमारा पर अभी अवेलेबल नहीं है, हमारा पर क्लास 12th का यहाँ पर असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको जानकारी बताई है सेम वही हमारा पर जानकारी क्लास 12th वालों के असाइनमेंट के लिए भी बनती है। तो उनको किस हिसाब से जमा कराना है, कहाँ जमा कराना है, कैसे क्या डिटेल वगैरह होनी चाहिए, तो सेम हमारे क्लास 12th वालों के लिए भी सेम वही बात बनती है। बस फर्क क्या पड़ता है कि हमारा पर अभी क्लास 12th के लिए जो असाइनमेंट अभी हमारा पर अवेलेबल नहीं है। तो जल्दी हमारा पर जो क्लास 12th का अभी असाइनमेंट यहाँ पर हमारा अवेलेबल हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में यहाँ पर हमारा पर क्लास 12th का भी यहाँ पर हमारा असाइनमेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपना क्लास 12th का भी असाइनमेंट वगैरह डाउन करके बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए कुछ जो सॉल्व असाइनमेंट है वो भी मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिले और जल्द से जल्द आपको जो है असाइनमेंट को लेके, पढ़ाई को लेके, आपको एनएक्स के अपडेट को लेके किस तरह की परेशानी ना आए, तो इस चीज़ को लेके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।